राहुल पांडे और कास्ट ऑफ मामला लीगल है रवि किशन जी, निधि बिष्ट, अरन जोशी, नायला अग्रवाल। प्लीज बस, अरे यार मैं पढ़ने में ही रह गया यार। क्या लिखना था। मेरी तो ये सब, बाकी आप लोग अपना आपस में देखिए, ये अपनी है, अपनी लॉक है, बाकी सबकी मूविंग है। तो राहुल किस तरफ बैठे? अच्छा, आप लोग तीनों एक साथ बैठे हैं। हाँ तो साहब, ये हमारे घर के बड़े हैं, इसीलिए सब इनको समीर सर कहते हैं। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू दिस टीम बाय द अमेजिंग क्रिएटर्स। समीर सर, राहुल और खन्ना साहब, एक जो आप लोगों से हमको पूछना है कि क्या होता है कि फिल्म में तो बहुत चीज़ें आ गई होंगी, केसेस आपने सुने होंगे बहुत सारे, ठीक है, पर ऐसा क्या आपको लगा कि यार कौन सा केस था जो आपका वो था इंडियन आइडल जिसको बोलते हैं ना, कि इस पे शो बनना चाहिए, वो किस तरह के केसेस थे जो आपको लगा, जो रिसर्च के दौरान आपको मिले? यार एक्चुअली काफ़ी अतरंगी केसेस पढ़ने में आए, सुनने में आए, इमेजिन नहीं होता कि यार ये चीज़ हुई है क्या। ऐसे एक हेडलाइन मुझे ऑन टॉप ऑफ माई हेड याद है कि कुछ ऐसा था कि पिता और बेटी, पिता ने बेटी को 7 बार लूडो में हराया, बेटी ने करी FIR, बोली हरा के नाचते भी थे। आपने कहा यार ये क्या है यार, कि हाँ। बेटी को ये तो पहला लोड ये कि 7 बार लूडो में हराया, दूसरा ये कि नाचने के वो जीतने के बाद नाचते भी थे। तो कहा ये बहुत अतरंगी है, इस पे FIR बनती है भाई, FIR बनती है इस पे, ये तो प्रॉपर जो है ह्यूमिलिएशन है। इसलिए मैंने ये सीख ले ली इससे एटलीस्ट कि यार अगर मैं अपनी बेटी के साथ लूडो में खेल रहा हूँ तो अगर किस्मत से जीत भी जाऊँ नाचूंगा नहीं। हाँ, ये FIR का पूरा चांस है। एक मैंने एक कोर्ट केस सुना था, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, कि एक बड़े भाई ने छोटे भाई पे किया था। सुनिएगा साहब, आप लोगों के लिए भी है इस तरह के केसेस हमारे देश में। बड़े भाई ने छोटे भाई पे केस किया था क्योंकि वो जो है बड़े भाई की सास को लेके भाग गया। बड़े भाई की सास को लेके, मतलब वो वाइफ की मदर को लेके भाग गया, भाभी की मदर को लेके भाग गया, तो अब वो प्रॉपर्टी पे क्लेम कर रहा है एज ससुर। तो घर में इधर भी हिस्सा है और उधर तो पूरा ही खा गया अगला। ठीक है, तो ये इस तरह के खाना था आप? ऐसे बहुत सारे बथेरे केसेस है, एक काफी सिमिलर था जो आपने बताया, इसमें बेटी ने माँ के खिलाफ FIR की थी कि जैसे लड़का लड़की तो फरार होते हैं, उसके पति मतलब लड़की का पति सास को लेके फरार हो गया था। क्या बात है, एकदम यही मामला सारा। वाह राहुल भाई जी, कई इंटरेस्टिंग थे, बट मेरा फेवरेट है जिसमें एक महिला ने केस किया कि गोलू मुझे गाली देता है और गोलू एक तोता है। वाह। तो कंफ्यूजन ये थी कि FIR गोलू पे हुआ है, गोलू की पेशी हो रही है। हाँ। और उस पर बहस चल रही है, तो इल्जाम ये है कि गोलू को गाली सिखाई किसने। ये भी बात सही है। साहब आपका जो कैरेक्टर है रवि भाई, वो बड़ा जो है उसमें स्वैग है और बड़ा वो वेटरन है और उसके अपने एटीट्यूड हैं, तो वकालत के अलावा इस तरह का वकील बनने के लिए क्या लगता है? एक तो चार्म होना चाहिए, जैसे कि अपने हमारे यहाँ सुपरस्टार हैं, शाहरुख हैं, सलमान हैं, ऋतिक हैं, वैसे ही वकालत की ज़िंदगी में मैंने राम जेठमलानी जी को, एक सालवे साहब को देखा था, अरुण जेटली साहब नहीं रहे, तो एक स्टार्डम तो उसमें एक रहता है कि उनकी एंट्री भी वैसे होती है, एक बड़ी सी गाड़ी होती है और सब लोग उसको ऐसे देखते हैं कि मतलब अब गए और ये केस तो जीतना है, वो बहुत बड़ा स्टार्डम। वैसे जैसे हमारे सिनेमा इंडस्ट्री में वो स्टार्डम तो होना चाहिए और वो बड़ा एक अलग स्वैग और वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं कि आप माहौल बना लेते हैं और उस हिप्नोटिज्म में ही आप केस को बाजी भी मार लेते हैं, जो मैंने महसूस किया। क्या बात है साहब, ज़रूरी होता है माहौल बना रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए अनंत आपसे पूछ रहा हूँ मैं भाई साहब, ठीक है, क्या जुगाड़ू वकील हैं क्या आप इसमें? ठीक है, नहीं मैं वकील नहीं हूँ। आप नहीं मैं, आप क्या हैं? मैं जुगाड़ू मैनेजर हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। अच्छा, तो आई थिंक ये मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग था कि जब मैं सौरभ जी से पहली बार मिला और मैं इस थॉट के साथ ही गया था कि कोर्ट रूम ड्रामा हो रहा है तो शायद मैं एक वकील ही हूँगा, पर वहाँ पे पता चला कि मतलब मुझे लगा कि पहली बार ही ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे कि कोर्ट के मैनेजर के बारे में भी बताया जा रहा है। तो लॉयर्स तो हैं जो ये तीनों हैं और हमारे और साथी भी हैं, पर मैं अकेला इनको इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को देखता हूँ, मैनेज करता हूँ। वाह,
आपका तो साफ फर्स्ट ऑन नेटफ्लिक्स, और आपका तो फर्स्ट ऑन नेटफ्लिक्स भी है ये. Absolutely. है ना? Yeah. What should I tell you? What should I tell you? नहीं, मैं देख रहा हूँ कि what is the charm of working for the first time, yeah. such a big platform, yes. For you as well, working Absolutely. With creators like them. Yeah. An extremely, extremely special experience. It's comedy in such a non-stereotyped way. They've really broken the stereotypes with the characters they've chosen, with the way of projecting each scene, doing each scene. It's been an absolute pleasure. I think ab mujhe wo sorry to say. Ab main hindi mein isko translate bolne ka tarika hai jo sirf Bombay mein log bolte. It's been an absolute pleasure. Ye sab ka absolute same kaise, kahan seekh rahe ho aap log? Ye Harvard se aayi hai na, ye Harvard se. So actually mera, main to Delhi se hu bhai. Acha. Ha. आजकल ये हो गया ना, कोई भी अमीर आदमी अमीर नहीं मानना चाह रहा अपने आप को, कह रहा अरे कहाँ. लेकिन ये अच्छा है, मैं ये जोक से पार्ट, बट नेटफ्लिक्स को धन्यवाद कि उन्होंने हिंदी हार्टलैंड के लिए एक ऐसा शो लाया जहाँ सबको लग रहा था कि गन्स और ये सारी चीज़ें लेके ही नेटफ्लिक्स आता है और डार्क होता है और सब साइको ही घूमते हैं यहाँ, वैसा नहीं है. और वकील लोग भी हंसते हैं, वकीलों की भी जिंदगी है, इनके कोर्ट काले हैं, दिल काले ने. तो धन्यवाद नेटफ्लिक्स, थैंक यू सो मच कि हिंदी हार्टलैंड के लिए. मेरे सारे वकील और जजेस बड़े हमको धन्यवाद दोस्त, बड़ा बच्चा की हो रही बाबू, क्या बात है, बहुत बढ़िया कि हम लोग की जिंदगी में भी ह्यूमर आएगा. और वह छोटे छोटे ह्यूमर हैं कि अपनी कुर्सी बांध के, फॉयर की बातें, कुर्सी बांध दी और बाथरूम में लड़ रहे हैं लोग, कॉरिडोर में लड़ रहे हैं, उनकी जिंदगी है, उनके छोटे इमोशंस हैं. तो ये बहुत थैंक यू, एज अ टच ऐसा वाला जाग लगता है. मैं कहता हूँ यही होता है वेटरन आर्टिस्ट, सही सवाल का सही जवाब. प्लीज़ गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज़ फॉर रवि सर. निधि, आप तो खुद भी वकील हैं, मैंने सुना आपने LLB किया है साहब, है ना? अब माइक दे दीजिए उनको साहब, ठीक है. हाँ, और मेरा बस ये जानना है कि मैं म्यूजिक से हूँ, ठीक है, मैं सितार मैंने सीखा है जिंदगी के 20 साल. तो शूटिंग में ना कई बार लोग बोलते हैं आप इसको से पकड़ लेना और ऐसे से कर देना. मैं कह अरे नहीं कर पाऊंगा भाई, मेरे से मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने सीखा है, मुझसे नहीं होगा ये. तो ऐसे शूट के टाइम आपको लगा कि अरे ऐसे नहीं होता है, प्लीज गाइज मत करो ऐसे? तो सच्चाई ये है कि जब मैं कॉलेज में मतलब पढ़ाई कर रही थी, लॉ की पढ़ाई कर रही थी, तो रंग दे बसंती आई थी. तो रंग दे बसंती की एल्बम सब लोगों ने अलग अलग रीजन से सुनी, सबका उस पर अलग अलग इम्पैक्ट था. मेरी लाइफ में मेरा फेवरेट गाना था आंधियों से झगड़ रही है लॉ मेरी. हाँ. तो आप जान लीजिए कि मैं किस तरह की लॉ स्टूडेंट थी. फिर मेरे 2 साल प्रैक्टिस के हॉरर जॉनरा में गुजरे, तो मैं जैसे तैसे छोड़कर आई, थोड़ा एक्टिंग की दुकान निकली, बात बनी, बात आगे बढ़ी. और फिर जब मुझे लगा कि आह लाइफ इज़ सो गुड, तो खन्ना साहब ले आए मेरे पास, मामला लीगल है सुजाता नेगी, और मुझे लगा ओह आई एम बैक टू दिस वर्ल्ड. अरे बाप रे बाप. माशाल्लाह से साहब, आज रात को जो है आप लोगों को इस इवेंट के बाद इसकी यादें आएंगी, क्योंकि रात को फिर से आपको मामला लीगल देखना है. कल ही सुबह मतलब अब क्या रात ही को आ जाएगा ये, है ना? ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज़ फॉर दिस टीम. प्लीज आप आइए फोटोज के लिए, प्लीज इस तरफ आइए. ये काली लाइन के अंदर. हाँ सर, दिल करवाते हैं ये फोटो करवाइए सर, ये ब्लैक लाइन में. Thank you very much.